निर्माण करने में। इसके अलावा यहाँ पर जो परिक्रमा मार्ग जो वहाँ गोवर्धन में होता है वही परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। बाकायदा कुंज घाटी ये परिक्रमा मार्ग में जितने जितने प्रमुख स्थल आते हैं वो सब उन्होंने बनाए गए हैं। गोविंद कुंड, कदम कुंड, पूंछरी का लोटा, मुखारबिंद, नारंद कुंड, उद्धव कुंड आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने साथ दीपक लेके आते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बार बात कराना चाहता हूं, जो इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए हैं दान सिंह जी, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने इस का आयोजन का वो किया है। जी, हम सभी व्रत क्षेत्र के लोग हैं और गोवर्धन पूजा की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जब हम लोग जयपुर में रह रहे हैं तो यहाँ भी हमने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है उसमें बहुत लोगों का सहयोग आवश्यक होता है, तो यहाँ जो जिस प्रकार चंदा से यहाँ व्यवस्था चलती है वो कुछ हमारी समझ से बाहर थी, तो हमने उसका एक प्रयास किया था। तो तुलसी गार्डन के जो प्रबंधक हैं गोविंद लाल जी वर्मा, मासलपुर के रहने वाले हैं लेकिन हमारे गोवर्धन पूजा की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जब मैंने इनसे एक बार निवेदन किया कि हम गोवर्धन पूजा करना चाहते हैं तो इन्होंने तुलसी गार्डन में वो व्यवस्था करने की आज्ञा दी। बिल्कुल, मैं आपसे बात कराना चाहूंगा जो गोविंद राम जी है जो इस आयोजन के सूत्रधार है और आज इनकी वजह से बड़ी संख्या में लोग गोवर्धन पूजन करना चाहते हैं, उनके पीछे क्या मंशा रही आपकी इस गोवर्धन पूजन में? मेरी मंशा केवल गिरिराज महाराज की कृपा से, गिरिराज महाराज का ब्रज की तरह यहाँ पर भी जयपुर में पूजन हो और ब्रज क्षेत्र के जो भी लोग रहते हैं वो बड़े धूमधाम से जो है गिरिराज महाराज की पूजा करें। इसी प्रेरणा के साथ में मैंने ये 10 साल पहले शुरू किया था 2009 में, 2009 से आज ये 10वां 11वां साल है, कंटिन्यू चल रहा है और केवल ये उद्देश्य के भी भक्त लोग आए, पूजन करें और प्रसादी वितरण हो, इसलिए हम एक अनुपम गोवर्धन बनाते हैं जो कि शायद इंडिया में कहीं नहीं बनता होगा। 60 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा और इसमें कम से कम 1 क्विंटल फूलों से और कम से कम 500-600 दीपक इसमें लगाते हैं। सारे जो है जो गोवर्धन में जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह की जो मार्ग में जो जो स्थान आते हैं वो सब मार्गों को यहाँ चिन्हित किया गया है सभी, और जिस तरह से यहाँ जो उसके सरकंडे के पुष्प होते हैं, आपके जो है मोर पंख होते हैं उनकी, उनसे जो है उसी लुक में लेके आते हैं हम इसको, जैसा कि वाकई में गोवर्धन में आदमी आकर के महसूस करे कि मैं गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर रहा हूँ। उसी उद्देश्य से केवल गिरिराज महाराज के पास से हम ये प्रोग्राम शुरू किया है और जब तक ये चल रहा है कार्यक्रम चलता रहेगा। बोल गिरिराज महाराज की। बिल्कुल, देखिए यहाँ जबरदस्त उत्साह है लोगों में गिरिराज पूजन को लेकर, गोवर्धन पूजन को लेकर। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई है और जो श्रद्धालु है जबरदस्त उत्साह और जयकारे लगा रहे हैं गोवर्धन महाराज के लिए, और उनका कहना है कि जो हम जा नहीं पाते हैं वहाँ पर वो पूजन यहाँ करके और वो होते हैं, विभोर होते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। इस गोवर्धन पूजन के बाद अन्नकूट के प्रसादी का वितरण होगा जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण की जाएगी, और उसके बाद जो एक व्यवस्था यहाँ पर पूजन की व्यवस्था भी आयोजकों की तरफ से की गई है, वहीं लोग अपने साथ दीपक भी ला रहे हैं और गोवर्धन महाराज के पूजन अर्चन के बाद दीपक जला रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ करीब 500 से 600 दीपक जले हुए हैं जो बिल्कुल एक पूरा साकार कर रहे हैं कि गोवर्धन महाराज की जो झांकी है वो पूरी तरह साकार हो रही है। जी चलिए, बेहतरीन तस्वीरें हैं और जिस तरह का आयोजन आपने बताया, हमने अपने दर्शकों को दिखाया, वाकई भव्य आयोजन है और यही वजह है कि दूर दराज से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं और गोवर्धन पूजा करते हैं, और जिस तरह की पहल की जा रही है लगातार वो भी सराहनीय है, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से महत्व है ब्रजवासियों के लिए, अगर वो राजस्थान में इस तरह से इतने उत्साह से मनाया जाता है तो सराहनीय है। शुक्रिया, तमाम ये तस्वीरें